एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई हो, और एक मुस्लिम देश बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो। बाहर गजब की सांप लेवल की लड़ाई है, और अंदर आकर भारत में दोनों मिलकर क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और क्या भैया इस तारीख में नाम के बोलने की, तो पता लगा के मस्जिदें उड़ाई और यहां भड़बड़ 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 कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कैसे देश के हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, कैसे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सनातन धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें करके एक नैरेटिव चलाने का प्रयास किया जाता है, और यही बात अब देश के हिंदुओं को समझने की जरूरत है। और आज के डिबेट में भी आप देखेंगे कि सुधांशु त्रिवेदी ने इसी नैरेटिव को लेकर जो बातें कही हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पूरी डिबेट और फिर मिलते हैं डिबेट के आखिर में। एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां व्यक्ति स्वतंत्रता हो, और एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां व्यक्ति स्वतंत्रता हो। इसलिए मैं दर्शकों से कहता हूं, इस नैरेटिव के माया जाल को समझिए, या आपके दिमाग में जो भरा जाता है उस विषय को समझिए। और मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सनातन के संदर्भ में जो आपने पूछा था ना दीपक जी, मैं जवाब दे देता हूं। सनातन का मूल ध्येय वाक्य है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म है ना परा, यानी ब्रह्म शाश्वत सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। और प्राप्त करने का जो माध्यम है वो धर्म शास्त्र में, मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण लिखे, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसमें न किसी देवता की स्तुति है, न किताब की स्तुति, न किसी के प्रति हिकारत है। तो लक्ष्य क्या है वो भी बता दिया, माध्यम क्या है वो भी बता दिया। और एक बात और कह दूं, विवेक जी ने कहा सती प्रथा हिंदू समाज में राम का मंदिर अयोध्या। अरे सुनिए मान्यवर, मैं बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं, चिंता मत करिए, अभी जवाब दे रहा हूं तथ्यात्मक। अगर हिंदू समाज में सती प्रथा थी तो रामायण और महाभारत के दो बड़े युद्ध हुए, कितने सती हो गए, कहीं नहीं थी। यह मुगलों के आक्रमण के बाद आई, 13वीं शताब्दी के बाद आई है, 10वीं शताब्दी से पहले कोई उल्लेख ही नहीं मिलता है। और मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे ये कहते हैं कि बाल विवाह, अरे भाई बेकार, देखिए आप बोल रहे हैं विवेक जी प्लीज बीच में नहीं, विवेक जी प्लीज बीच में नहीं, सुधांशु जी आपके 90 सेकंड खत्म हो चुके हैं, आप अगली लाइन में कंक्लूड करिए, फिर मैं सुबोध मेहता जी के पास जाऊं। मेरे को तो आप हर 10 सेकंड में टोक रहे थे। नहीं नहीं, मैं आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। करता हूं, देखिए आप सवाल का जवाब भर के बोल रहे हैं। अरे भाई मैंने कहा और आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए, ये विदेशी आक्रमण के बाद आई है। भारत में कभी महिलाओं के साथ संबंध नहीं होता था युद्ध हारने या जीतने के बाद, इसका प्रमाण है महाभारत के युद्ध से लेके विक्रमादित्य के जमाने से लेके कभी नहीं हुआ, ये मुगल आक्रमणकारियों के आने के बाद शुरू हुआ। और एक लाइन विवेक जी, सब कुछ करने लगे, रायता फैलाने लगे। अच्छा सुनिए विवेक जी, अब एक फैक्ट बता दो, नहीं नहीं आप तो कह रहे हैं ना कि सती प्रथा थी और हिंदू समाज का, चलिए अब मैं बोल लूं भाई, अब आप इतनी देर बोल चुके, मैं बोल लूं विवेक जी, आप लगातार बोल रहे हैं बीच में, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिए, उसके बाद जो हो बोलिए। इसी सनातन धर्म में करेंगे डिस्कशन भगवत गीता पे, आज हर अध्याय पे करेंगे, क्या बाण व्यवस्था है या नहीं है भगवत गीता में, बताइए सुधांशु त्रिवेदी, औरतों का इंटर बड़ व्यवस्था कहां पे नहीं है बताइए, दुनिया में एक जगह बताइए जहां पर की इंप्लॉय से ऊपर इंप्लॉयर की हैसियत ना होती हो, बोलिए। सुनिए मैं जवाब देता हूं, बिल्कुल सुनिए, मैं विवेक श्रीवास्तव को जवाब देता हूं, सुनिए भगवत गीता उसको जस्टिफाई, आप बोलिए श्लोक पढ़ के बताओ, अरे बताइए श्लोक पढ़ के बताओ, श्लोक बोलो विवेक श्रीवास्तव, श्लोक बोलो, बोलो कहां लिखा है, बोलो श्लोक बोलो, अरे बोलो ना, चिल्लाते चले जा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे औकात भैया इस तालीम के नाम के बोलने की, तो पगा लगा के मस्जिदें उड़ाई और यहाँ भड़बड़ 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 कर रहे हैं। गीता का श्लोक बोलो ना, जहाँ पे बड़ा व्यवस्था का नंबर, बोलो श्लोक बोलो, पढ़ाई नहीं आपने कौन सा अच्छा काम किया, अरे बोलो ना श्लोक, अब चिल्लाने लगे। ठीक है विवेक जी, हो गई ना, मैंने नहीं रोका रहा, मैंने नहीं रोका रहा, अब सनातन का मूल जो है, सनातन का मूल विवेक जी, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दीपक जी सुनिए, नहीं नहीं दीपक जी मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, बोलिए बिल्कुल बोलिए, सीरियस डिबेट होनी चाहिए, इसमें किसी को रायता फैलाने का अनुमति नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं जब दूसरे लोग बोल रहे हैं मेरा फीडर डाउन रखिए, और जब हम बोले दूसरे का फीडर डाउन रहे, ताकि सबको मौका मिले, ये लगातार चिल्ला चिल्ला के डिस्टर्ब कर रहे हैं, आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। अरे भाई मैंने क्यों श्लोक बोला, क्योंकि आपने उसका अर्थ ही नहीं पता। मित्रों यह डिबेट कैसा लगा अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, साथ ही आगे और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए जय हिंद जय सियाराम।